वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल सिस्टम से थंबनेल में फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं और उसको बराबर ढंग से सेट कैसे कर सकते हैं और आपका यूट्यूब के थंबनेल का साइज का फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्ले स्टोर से पिक्स आर्ट डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें आपका मतलब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलने वाला है, जैसे यहाँ पे ऐसा खुलेगा। आपको प्लस पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपका जो फ़ोटो मतलब लेने का है वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, कलर बैकग्राउंड, यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है आपको किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से चूज़ करने के बाद, नहीं तो आप अपना फ़ोटो भी ले सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड जो आपने डाउनलोड किया हुआ है तो कुछ इस तरह का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको टूल्स में जाना है। यहाँ पे नीचे टूल्स का ऑप्शन है, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉप करना है। जैसे क्रॉप करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस चालू हो जाएगा। तो आप इस तरह का करने के बाद यहाँ पे आपका YouTube का ऑप्शन देगा एकदम लास्ट में कॉर्नर पे राइट साइड में। तो यहाँ पे YouTube पे क्लिक करेंगे तो आपका YouTube के थंबनेल का साइज का क्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ आपको एस कर देना है। ठीक है, करने के बाद आपको यहाँ पे अभी आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं, फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, जिसको मैं बताने वाला हूँ, जो इस वीडियो का कॉन्टेस्ट है कि आपको अपने थंबनेल पे फ़ोटो कैसे लगाएं। ठीक है, तो फिर आपको जाना है यहाँ पे एड फोटो पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको अपना फ़ोटो चूज़ करना है, कौन सा फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे ए वाला फ़ोटो लगाना है, तो मैंने ऐड किया तो आप यहाँ पे नीचे ऐड हो गया, तो ऐड कर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का मेरा फ़ोटो आ गया। तो इसको हमें अभी इरेज करना है, जो बैकग्राउंड में और सब चीज़ें दिख रहे हैं, सिर्फ हमें अपना फ़ोटो क्रॉप करना है। तो ऊपर यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से करना है, मूव करना है। जैसे आप मूव करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है, जो पहले बैकग्राउंड से था, वो उस तरह का बन जाएगा। और आपको और अच्छे से क्रॉप करना है तो आप इसको जूम कर सकते हैं। करने के बाद आप एकदम बराबर तरीके से इसको इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, दोनों साइड से आप क्रॉप कर लें एकदम। और अभी मैं तो जल्दी में हूँ, नहीं तो मैं और भी अच्छे से आप क्रॉप करेंगे तो हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से आपको कर लेना है दोनों साइड से। ठीक है, आपको इस तरह से अपना क्रॉप करना है। आपको मान लीजिए मेरा यहाँ पे कुछ इरेज हो गया, तो आपको यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप यहाँ पे क्लिक करके अपना रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह का आप अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड में यहाँ इधर कॉर्नर पे लगा दें। लगाने के बाद यहाँ पे जैसे ही लगाने के बाद आपको चेक मार्क पे क्लिक कर देना है, तो आपका फ़ोटो यहाँ पे मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको टेक्स्ट टाइप करना है कि यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है अपने फ़ोन पे, सॉरी यहाँ पे मेरा ये आ गया, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखना है अपने फ़ोन अपने थंबनेल पे अपने थंबनेल पे फोटो फोटो कैसे लगाएं। ठीक है, अपने थंबनेल पे फ़ोटो कैसे लगाएं, यहाँ से आपको चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके इधर जो वो थंबनेल बना रहे हैं उस पे इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो अभी आपके फेस के ऊपर ये आ रहा है, तो आपको यहाँ पे
आपने मतलब यहाँ पे आपको क्लिक करना है बीच में, इसको क्लिक करके जैसे आप अंदर करेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो आपको खींच के इधर कर देना है। करने के बाद आप इस पे कलर कर सकते हैं। कलर का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, फ्रॉन्ट कलर स्ट्रोक। तो आपको पहला कलर करना है। कलर में आपको मतलब जो चूज़ करेंगे, ठीक है, आपको कलर में कौन सा कलर लेना है, रेड लेना है और या पिंक लेना है, वायलेट लेना है तो ब्लू लेना है, तो इस तरह से आप अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं ले लेता हूँ ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। अभी आपको इसमें मतलब इसका जो बॉर्डर है उसको बॉर्डर भी बनाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक पे क्लिक करना है। तो आपका जो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का बॉर्डर बन गया, ठीक है, तो ब्लैक कलर शो नहीं कर रहा है, तो इसके बॉर्डर की जगह कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं कोई और भी कलर ले लेता हूँ, जैसे एक कलर ले लिया और ये वाला कलर ले लिया, रेड ले लिया, ग्रे कलर ले लेता हूँ। तो आपको जैसा आपने मतलब किस तरह से परफेक्ट बैठना चाहिए कलर और थंबनेल के कलर पे परफेक्ट बैठना चाहिए, उस तरह से आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने थंबनेल पे फ़ोटो कैसे लगाएं, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और आपको अभी क्या करना है, इस तरह से बनाने के बाद आपको अभी और नीचे भी कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कीजिए, एस कर दीजिए। फिर और भी नीचे आपको कुछ ऐड करना है तो आप टेक्स्ट में जाएं। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने थंबनेल पे लगाया है ओनली 2 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं ओनली 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। यहाँ पे जैसा एस करेंगे तो आपका इस तरह नीचे आ जाएगा ये टेक्स्ट जो है, ठीक है। तो अभी आपको टेक्स्ट का कलर देना है, कलर जैसा भी आपको अच्छा लगे, अपने थंबनेल के थंबनेल पे बराबर बैठ जाए, उस तरह से आपको अपना कलर चूज़ कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इस तरह का मतलब कलर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे और इस तरह का मैंने ऐसा कलर ले लिया। अभी आपको करना क्या है, इस पर सेलेक्ट करें, स्ट्रोक कर देना है। स्ट्रोक मतलब अपना बॉर्डर बन जाएगा। तो बॉर्डर आपका कौन सा कलर का लेना है आप उस कलर का ले सकते हैं, जैसा कि मैं इस तरह का ले लेता हूँ। तो आपको जैसा चूज़ आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह का कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बढ़ाने के बाद आपका मतलब और हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप 700 लगा सकते हैं, 700 में आपका जो भी बैक कलर लेना चाहते हैं तो आप कलर भी ले सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे रेड दिखना चाहिए पीछे, तो और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरह से आप अपने थंबनेल को बना सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप अपने थंबनेल को एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं, इस तरह से अपना फोटो क्रॉप कर सकते हैं। और आपको जब पूरा सेटिंग हो जाए तो आप इस तरह का आपको जो ऊपर दिया है क्रॉस और चेक मार्क का, तो उसको आपको एस कर देना है, मतलब चेक मार्क कर देना है। तो इस तरह से आपका थंबनेल जो है बराबर तरीके से सेट हो गया है। अभी आपको इसे सेव करना है। तो यहाँ पे ऊपर में लास्ट में कॉर्नर पे चेक मार्क जैसा बाहर का ऑप्शन दिया है, मतलब चेक मार्क करके तीर का निशान, उसको आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे नीचे सेव और शेयर का ऑप्शन दिया है, तो आपको सेव करना है सिंपली। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे नीचे दिया है सेव पिक्चर ऑन योर डिवाइस, तो यहाँ पे क्लिक कर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पे देख लीजिए सेव टू गैलरी। तो ये जो पिक्चर है आपके गैलरी में सेव हो गए। तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो मेरा कैसा लगा हो, आपका अपने फोटो थंबनेल पे इस तरह से अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।